हाय एवरीवन, वेलकम टू द हाउस स्टेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कट क्रीज आई मेकअप लुक। मैंने कुछ दिन पहले ये लुक ट्राई करके उसे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एंड फ्रॉम देन आई वांटेड टू फिल्म दिस लुक फॉर यूट्यूब। और फाइनली मुझे चांस मिला है इस लुक को फिल्म करने का। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू गाइज एंड आई एम श्योर यू वांट टू सी हाउ टू क्रिएट दिस लुक। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एवॉन आइडियल ल्यूमिनस कंसीलर स्टिक को आईलिड्स पर लगा के मैं मेरे आईलिड्स प्राइम कर लूंगी और फिर लॉरियल मैट मैजिक ऑल इन वन प्रेस पाउडर से कंसीलर सेट कर दूंगी। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव पैलेट में से कैफीन फिक्स आई शेडो को मैं ब्लेंडिंग ब्रश पे लेके उसे मैं इस तरह से अपने क्रीज में लगा लूँगी। आई शेडो को थोड़ा थोड़ा करके ब्रश पे लेकर अच्छे से उसे ब्लेंड कर ले ताकि वो ज़्यादा हार्श ना लगे। टेक योर ओन टाइम विद ब्लेंडिंग ताकि ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ लगे। वंस आई एम सेटिस्फाइड विद द आई शेडो इन द क्रीज, मैं कंसीलर ब्रश पे थोड़ा सा कंसीलर लूँगी और उसके छोटे छोटे डॉट्स बनाकर फिर उन डॉट्स को जॉइन करके एक लाइन बना लूँगी। तो कंसीलर से बेसिकली मैं मेरे क्रीज को कट कर रही हूँ। तो मैंने जहाँ पे वो ब्राउन शेडो लगाया था उसके नीचे से मैं एक लाइन बना लूँगी कंसीलर की और फिर जो बाकी का कंसीलर है उसे नीचे अपने आईलिड्स पर ड्रैग करके मैं उसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। कंसीलर लगने के बाद मैं लॉरियल पेरिस डिवाइन ग्रे आई शेडो पैलेट में से ये शिमरी ब्लू शेड को अपने पूरे आईलिड पर लगा लूँगी। फिर मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में जो ब्रश आता है उसके फ्लैट साइड पर मैं कैफीन फिक्स आई शेडो लेकर मैं उससे मेरे क्रीज में एक लाइन बना लूंगी। मैं इस लाइन को डार्क रखूंगी ताकि मेरी कट क्रीज जो है वो डिफाइंड नजर आए और मैं इसके लिए बाहर की तरफ एक हल्का सा विंग करने वाली हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है बट जस्ट टू पुल द लुक टूगेदर मैं इसे एक विंग डिफेक्ट देने वाली हूँ। और फिर उसी सेम ब्रश की दूसरी साइड जो कि फ्लफी साइड है वो लेकर मैं ऊपरी तरफ का आई शेडो थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में अगर हमारी लाइन थोड़ी सी लाइट हो जाए तो फिर से ब्रश के फ्लैट साइड पर कैफीन फिक्स शेडो लेकर लाइन को थोड़ा सा डार्कन करें। वंस आई एम सेटिस्फाइड विथ माय लाइन मैं लूँगी L18 कलर पॉप आई लाइनर इन द शेड ब्राउन और उससे मैं एक विंग्ड आई लाइनर बना लूँगी। विंग्ड लाइनर करने के बाद मैं मेरा फेस मेकअप कंप्लीट कर लूंगी। फेस मेकअप होने के बाद नाउ इट इज टाइम टू वर्क ऑन द लोअर लैश लाइन। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लूंगी ब्लू हेवन सॉफ्ट काजल आईलाइनर और उसे मैं लगा लूंगी मेरे वाटर लाइन में। वाटरलाइन में आईलाइनर लगाने के बाद मैं मेरे लोअर लैश लाइन के आउटर थर्ड में कैफीन फिक्स आई शेडो लगा के उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। वंस आई एम सेटिस्फाइड विद द लुक मैं मेरे लैशेस कर्ल करके उन पर लगा लूँगी लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। तो इस वीडियो का मेन फोकस था आई मेकअप जो कंप्लीट हो गया है एंड नाउ टू कंप्लीट द लुक आई विल डू द रिमेनिंग फेस मेकअप एंड बी राइट बैक। और पूरा फेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद ये है फाइनल रिजल्ट। तो ये था बहुत ही आसान कट एंड क्रीज आई मेकअप लुक। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप ये लुक ट्राई करें तो मुझे इसके पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी देख सके हाउ टू डू दिस कट एंड क्रीज आई मेकअप लुक। ऑल्सो अगर कोई और मेकअप्स
स्किन केयर या हेयर केयर रिलेटेड वीडियो है जो आप देखना चाहें तो आप उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बस इस सर्कल पर क्लिक करना है जिसमें मेरा फेस है। आप मेरा प्रीवियस ब्यूटी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर और मेरा प्रीवियस क्राफ्ट वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।